टीवी अच्छा कर दिया है। बहुत देखो मम प्यार कर रही है मुझे इसका, इसने सीरियल नहीं देखा था 2-3 दिन से, तो प्यार कर रही है। बहुत वो है मेरी लड़की, महाबहादुर है मेरी लड़की। और तो आज निम्बी कर रही है हमारे घर के टीवी की रिपेयरिंग, और हमारे टीवी देखिए ये जो है ये खराब हुआ था और ये पूरा फट चुका है। बाकी नींबू का चटकारा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वोट सा होता है। और तो गाइज ये लोग जाने लग गए हैं और बारिश देखो बाय। तो गाइज देख सकते हैं टीवी अच्छे से चलने लग गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज निम्बी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और निम्बी लोग रेडी हो रहे हैं अपनी शॉप के लिए। निम्बी लोग रेडी हो रहे हैं शॉप के लिए, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ आज का व्यू और आज का मौसम कैसा हो रहा है पहाड़ों में। तो आप लोग देख सकते हो आज का मौसम, थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी ठंड है। बाकी मौसम तो यहाँ का हमेशा ही बहुत प्यारा रहता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आपने देखा आज का ब्लॉग रेंदे ने स्टार्ट किया था, तो दिखाते हैं आज का ब्लॉग आपको। गाइस शाम को मम्मी ने सारे गेहूं भी काट दिए, मतलब इतने सारे गेहूँ हुए थे जो मैंने आपको दिखाया था कि हमारे इतने सारे गेहूँ हो रहे खेत में, तो ये हो रहे हैं गेहूँ। बाकी अभी सुखाने के लिए डालेगी मम्मी इनको। और गाइस देखो छत में मेरे कितने सारे रोज़ खिल गए हैं। और सबसे मेन बात तो ये है, ये देखो कि पहले हो रहा है कुछ इस तरीके से येलो, फिर उसके बाद इसमें लाइट पिंक आ रहा है और उसके बाद ही पूरी तरीके से रेड हो जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो। और मुझे ना बहुत सारी डिमांड भी आई है इसकी, ये वाला फूल की कटिंग मुझे भी देना, पर मैं अभी नहीं काटूँगी इनको क्योंकि अभी इसमें फूल आ रहे ना, जब लास्ट टाइम मतलब जब बरसात के टाइम होते तब मैं सारे फूलों की कटिंग करती हूँ, तो उस टाइम पर दे दूँगी मैं जो जो लोग मुझसे मांग रहे हैं। तो गाइज आज तक्षय जा रहे हैं मेरे साथ नोएडा वापस, एक महीने की छुट्टी बिताने के बाद। और आज हम लोग निकल जाएंगे नोएडा के लिए, हमारी है इवनिंग की बस। बाकी ये कल जाने वाले थे लेकिन कल बस का हो नहीं पाया, टिकट नहीं हो पाया, तो इसलिए आज जा रहे हैं ये लोग। अच्छा लग रहा होगा फिर आज तुमको जा रहे हो तुम? नहीं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपने पहाड़ को छोड़ के नोएडा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मजबूरी हमारी है, जाना तो पड़ेगा ही। तो गाइस नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग निकल गए हैं दुकान की ओर। अभी भैया लेके जा रहा है हमको क्योंकि भैया को फिर कंप्यूटर क्लास जाना है, तो वो दुकान तक हमें छोड़ेगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी दुकान पे, बाकी दिया धूप झाड़ पूछा कर लिया है। तो अभी दीदी के आए हैं कस्टमर और ये ले रहे हैं यहाँ पर सामान। बाकी ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, एक बार इधर को देख लो। कहाँ से हो आप? अच्छा आप वीडियोज़ देखते हो हमारे? अच्छा तो इन्होंने बताया कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं और वीडियो के थ्रू ही हम दुकान पे आए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। तो गाइस काम वाम करके अभी हमने लंच भी कर लिया है और आज मौसम ना फिर से ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके। तो गाइस देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से और काफ़ी ठंडा होने लग गया आज। और देखिए कोसी नदी बह रही है और बारिश की बूंदे देखो नदी में। हाँ जी हाँ ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं तो स्वेटर पहन के आई हूँ, मैं तो हल्की सी स्वेटर पहन के आई हूँ, तो मतलब थोड़ा ठंडा कम लग रहा है, लेकिन ठंडा बहुत लग रहा है, पर थोड़ा बहुत रिलैक्स तब भी मिल रहा है मुझे। लेकिन दीदी स्वेटर पहन के नहीं है क्योंकि सुबह धूप निकली हुई थी और ठंडे का ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और अभी ना इसको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं सो गई है कम्बल ओढ़ के। यहाँ पर देखो गैस कैसे सोई है कम्बल ओढ़ के, इसको ठंडा हो गया। ये देखो कैसे सोई है दुकान में आराम से। तो ये कमरा हमारा भी खाली स्टोर वाला है, जो हमारा पुराना सामान वगैरह है वो यहाँ रखा हुआ है हमने, बाकी आराम से यहाँ पे सोते भी हैं। और बाकी आगे दुकान में चलते हैं, इसका तो ये सो रही है आराम से। पता चले दुकान में कोई आ गया। देखो गाइस बारिश, ओ माय गॉड, ओले भी गिरने लग गए गाइस, देख सकते हैं बहुत तेज़ हो गई। देख सकते इतने मोटे मोटे ओले गिरने लग गए हैं, बिल्कुल रोड वाइट हो चुकी है, बहुत तेज की बारिश और ओले दोनों साथ में ही हो रहा है और लाइट भी चली गई है। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और मौसम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, बारिश आने का मौसम फिर से हो गया है और पूरा अंधेरा सा हो गया। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके, तो इस मतलब लाइट भी नहीं है दुकान पे, तो हम चलते हैं घर को क्योंकि यार तक्षय और रेंदी भी जाने वाले दिल्ली को 6:30 बजे की उनके पास है, तो
तो उनसे भी मिलना हो जाएगा हमारा। और बाकी मौसम भी मतलब ख़राब हो चुका है, तो इस पर घर को जल्दी चले जाते हैं हम लोग। इस मौसम देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो चुकी है और लाइट नहीं है, तो हमारी दुकान में देखो पूरा अंधेरा हो रहा है। तो बाकी अभी हम चलते हैं घर को। फाइनली गाइस अभी हम पहुँच गए घर और बारिश ना फिर से स्टार्ट हो गई और ठंडा लग गया। मैं तक्षा और रेनू तैयार हो गए, इनका टीका एक भी लग गया है। तक्षा आपको शर्म नहीं आ रही हमें छोड़ के जाते हुए? तो गाइस देखो मेरी मम्मी को ना पहले से पता है कि हम लोग घर को आ रहे हैं, चाय भी लेके आ गई है। थैंक यू मम्मा। हेलो गाइस, कैसे हो? और सब ठीक ठाक हो? बढ़िया हैं आप लोग? मम्मी को बताया ठंडा हो गया तो मम्मी पहले चाय बना के ला गई ना। मम्मी नींबू का चटकारा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वोट सा होता है और पेट बहुत घूमता है और इसको खाने से मन थोड़ा अच्छा सा हो जाता है। मन अच्छा सा हो जाता है पर मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो वहाँ जाके तबीयत भी खराब हो सकती है, ये भी याद रखना। ऐसा कुछ बाकी तक्षे खा रहे हैं यहाँ पे चिप्स। दीदी घर आते पहले सबसे पहले बना के लाई है गर्मा गर्म मैगी, क्योंकि हमको ना भूख लग गई थी। और रेनू को देखो कैसे खा रही है, बिल्कुल बाबे। तो गाइस ये लोग जाने लग गए हैं और बारिश देखो। बाय तक्षे, किससे तो करके जाओ, जल्दी से करो। अच्छे और रेनू तो चले गए हैं, बाकी रोड तक मम्मी उनको छोड़ने गई है। लेकिन आज बुरा भी लग रहा है क्योंकि तक्षे को एक महीना हो गया था यहाँ पे और घर तो जाना ही है और पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है उसकी अब, तो इसलिए जाना ही जरूरी है मतलब। तो गाइस गांव में ना फिर से परसों हाई वोल्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा टीवी भी फूक गया है। मतलब ऑन तो हो रहा है लेकिन उसमें आवाज़ सी आ रही है और प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा। अगर हम उसको थोड़ी देर चलाएंगे तो शायद वो फूक सकता है, तो मेरे को ठीक करना है। मतलब उसमें ना जिसका मेन कैपेसिटर होता है वो फूका हुआ है, क्योंकि मैं सुबह देखा था, अभी मैं लेके आई हूँ उसका टीवी का सामान। बाकी मैं देखती हूँ, अगर मैं करती हूँ ठीक उसको, अगर हो पाता है तो बाकी आप लोग को भी दिखाते हैं। तो आज निम्बी कर रही है हमारे घर के टीवी की रिपेयरिंग, और हमारे टीवी पर तो बहुत हाई वोल्टेज लाइट आई हुई थी तो हमारा टीवी फूक गया था, तो अभी इसको रिपेयर कर रही है क्योंकि मम्मी को सीरियल देखने की आदत है, बेचारे आजकल सीरियल नहीं देख पा रही 2-3 दिन से। तो गाइस इसका ना ये मेन कैपेसिटर फूक चुका है, देखो ये पूरा फट गया है फूक के, मतलब मम्मी कहती है इसमें पूरा धुआं है, तो ये कैपेसिटर मैं चेंज करूँगी पूरा। ये 450 वोल्ट का होता है और बाकी ऑन करके देखेंगे, दिखाएंगे आपको फिर ठीक होता है नहीं, तो मैं इसको फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। मम्मी का कहना है कि इस टीवी का कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, तो उसको वो ठीक करेगी अभी। ख़राब हुआ था और ये पूरा फट चुका है, बाकी मैं इसमें लगाऊंगी नया वाला कैपेसिटर, तो लगाते हैं इसको प्रॉपर से। तो फाइनली गाइस मैं हो गई सक्सेस यहाँ पे और मेरा टीवी ऑन हो चुका है, बाकी अच्छे से चल रहा है। और मम्मी इतना डर रही थी है, कह रही है कहीं ब्लास्ट ना कर दे बोल तू। हाँ मैंने टीवी अच्छा कर दिया, अब मैं खुशी हो गई, मेरे को खुशी हो गई, ये हफ्ता हो गया था मेरे को बिना टीवी। तो गाइस देख सकते हैं टीवी अच्छे से चलने लग गया है मेरा, टीवी अच्छा कर दिया है बहुत। देखो मम्मी प्यार कर रही है मुझे इसका, इसने सीरियल नहीं देखा 2-3 दिन से, तो प्यार कर रही है बहुत। वो है मेरी लड़की, महा बहादुर है मेरी लड़की। और तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया, ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल निम्बी ब्लॉग्स पे। तब तक के लिए बाय बाय।